नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज मैं आपको गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताऊंगा और यदि ये सूत्र आपको याद हैं तो आप गणित के सभी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसको, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई समीकरण दे देता है और पूछा जाता है कि इसके अद्वितीय हल होंगे कि नहीं होंगे, या पूछा जाता है कि इसके कितने हल होंगे, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको केवल सूत्र याद होने चाहिए और ये गणित बहुत ही सरल होते हैं। बच्चे सूत्र याद नहीं करते इसलिए उनको गणित कठिन लगता है, यदि उनको सूत्र याद हो तो गणित बहुत ही सरलता से बन जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इन्हीं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए, जैसे कोई दो समीकरण दिया रहता है, इस प्रकार के कोई समीकरण दिया रहे, दो समीकरण जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन पहला समीकरण, उसी प्रकार ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कोई दो समीकरण दिए हैं और पूछा जाए कि इन दो समीकरण के अद्वितीय हल है कि नहीं है, तो आइए पहले मैं इनके सूत्र बता देता हूं, उसके बाद हम इनके कुछ गणित बताएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। याद रखिए दोस्तों, हम गणित को पढ़ाते नहीं हैं, गणित को समझाते हैं और गणित को समझना ही चाहिए, गणित पढ़ने का विषय नहीं होता है। तो आइए इस गणित को हम समझते हैं और समझने से पहले हम इनके सूत्रों को समझते हैं। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह होता है कि इस प्रश्न में यदि अद्वितीय हल पूछ दिया जाए, है ना, कोई समीकरण दिया रहेगा और पूछा जाए कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको केवल ये सूत्र याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सूत्रों को बहुत आसानी से समझा रहा हूं। देखिए यहां पर यदि ए वन ए टू और बी वन बी टू है ना बटे है तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन को याद रखना है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां पर, देखिएगा, बस ये सूत्र यदि आपको याद है ना, इस सूत्र बस को याद रखिए, इस सूत्र को अप्लाई कराना रहता है यदि हमें अद्वितीय हल ज्ञात करना है तो यदि इस सूत्र का पालन करें, है ना, मतलब इस सूत्र में हम मान निकालेंगे तो यहां पर जो भी मान निकलेगा उसके आधार पर हम बता देंगे कि उसके अद्वितीय हल होंगे कि नहीं होंगे। तो बस आपको यह फार्मूला याद रखना है, यह बराबर होता है लेकिन इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अद्वितीय हल के लिए केवल यहां पर जिसको मैंने रेड कलर में घेर रखा है बस इसको याद रखना है। और ध्यान दीजिए, अद्वितीय हल कब होता है, तो कोई दो समीकरण दिया रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। अब प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या है, ये देखो, मान लीजिए ये हमारा एक समीकरण है, रेखा है, सरल रेखा है, और ये एक सरल रेखा का समीकरण है, तो दोनों के अद्वितीय हल कब होंगे, जब ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीनों को मैं आपको समझाऊंगा, अगर ये स्पर्श करता है तो अद्वितीय हल होगा और स्पर्श नहीं करता है तो अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है, ये पहला समीकरण है मान ले जाइए वाला और ये दूसरा समीकरण है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कब करेगा, ये देखिए, क्या ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये प्रतिच्छेदित करता है, तो ये प्रतिच्छेदित करेगा तभी इसके अद्वितीय हल होंगे। यदि ग्राफ की कल्पना करो, ग्राफ में है तो हमें यहां पर एक्स और वाई के मान मिलेंगे, है ना, जब हम ग्राफ पे खींचते हैं तो हमें x और y के मान मिलते हैं, कब, जब ये प्रतिच्छेदित करते हैं, तो प्रतिच्छेदित करेगा तभी तो इसके कोई हल होंगे ना, प्रतिच्छेदित नहीं करता है तो क्या इसके x और y के मान निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसके अद्वितीय हल कब होंगे, जब ये रेखा एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, और ये वाला फार्मूला, ठीक है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा में आ जाओ, अगर दो समीकरण दिए हैं, है ना, सरल रेखा के समीकरण दिए हैं तो ये कोई भी हल नहीं होगा, इसके लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई करना होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको ये दोनों तो बराबर होने चाहिए लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो इस प्रकार के जो आंसर आएंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, याद रखिएगा। दो समीकरण दिए रहेंगे उसमें यदि ए वन ए टू का मान बी वन बी टू के बराबर तो है, लेकिन B1 B2 जो है C1 C2 के बराबर नहीं है, मतलब यह भी कहा जाए C1 C2 जो है A1 A2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो सकता है लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा और ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आंसर कब आता है, एक्स वाई के मान कब आता है, जब ये एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है।
लेकिन इसमें लिखा देखिए, इसको याद रख लीजिएगा, यदि कोई दो रेखा समांतर है, तो चलो ये देखो ये समांतर है। अब अद्वितीय हल कब होता है, मतलब x और y का मान कब प्राप्त होते हैं, जब ये एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। तो क्या ये काटेगा? हाँ चल आगे बढ़ाते हैं, भविष्य में आगे जाके कभी ये काटेगा नहीं। हाँ चलो, रेल की पटरी आपने देखा है, क्या रेल की पटरी जो है एक दूसरे को भविष्य में आगे जाकर कहीं काटेगा? और अगर पटरी एक दूसरे को काटेगा मतलब मिलेगा, तो समझो क्या होने वाला है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है ना। तो निश्चित रूप से जब समांतर रेखाएं होंगी, ये समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को नहीं काटेगा, और जब एक दूसरे को नहीं काटेगा तो एक्स वाई के वैल्यू प्राप्त ही नहीं होंगे। तो कुल मिला के क्या है, यदि रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए सूत्र क्या है, ये जो शर्तें हैं a1 a2 बराबर b1 b2 है ना, बटे में है, और c1 बटे c2, ये इस सूत्र का पालन करना चाहिए, मतलब इसके मान तो बराबर हो और इसके मान के बराबर न हो, तब क्या होगा, ये इसके कोई भी हल नहीं होंगे। और अनंत अनेक हल कब होंगे जी, याद रखिए हल होने का शर्त केवल यह है वो एक दूसरे को कितनी बार स्पर्श करता है ना, जैसे एक बार स्पर्श किया, प्रतिच्छेदित कर रहा था तो एक बार स्पर्श कर रहा था तो हमें x और y का मान तो मिल रहे थे, इसका मतलब अद्वितीय हल था, लेकिन जब समांतर था तो कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है, और जितनी जगह स्पर्श करता है उतने मान प्राप्त होते हैं। तीसरा है अनंत अनेक हल कब होंगे, तो ध्यान दीजिए, यदि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही क्या हो, बराबर हो, मतलब तीनों के मान जब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे और c1 बटा c2 निकालेंगे, तो तीनों का मान यदि क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तब उसके क्या हल होंगे, अनंत अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, संपाती। और मैंने बता रखा है आंसर कब आता है, जब दोनों एक दूसरे को स्पर्श करता है, छेदता है ना, प्रतिच्छेदित करता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अब संपाती है, लिखा है ना, संपाती रेखाएं। अब ध्यान दो, अद्वितीय हल कब होता है, जब एक दूसरे को काटता है, छूता है, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, समांतर था, कहीं भी नहीं छू रहा था, जैसे रेल की पटरी। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे चिपका देता हूं। अब बताओ ये कितने जगह स्पर्श कर रहा है, जितने जगह स्पर्श करेगा उतने एक्स और वाई के मान मिलेंगे, समझ तो आ गया होगा। यदि ये संपाती है तो ये जितने जगह स्पर्श कर रहा है क्या उसको हम गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो जितने जगह स्पर्श कर रहा है उतने उनके क्या होंगे, आंसर होंगे। समझ तो आ गया होगा कि जब संपाती रेखाएं होती है तो उसके अनंत अनेक हल क्यों होते हैं। आइए दोस्तों, अब इसी प्रश्नों के आधार पर, इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम कुछ प्रश्न बनाते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके पीएससी लेवल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कक्षा 10वीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके आगे चैनल के बहुत बड़े कंपिटिशन एग्जाम में काम आता है ये, तो इस प्रश्न को बहुत सावधानी से देखिएगा। तो आइए कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को देख के घबरा जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बोला ना, गणित को पढ़ना नहीं है, समझना है। तो आइए इस गणित को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें लिखा है के के किस मान के लिए, यहां पर लिखा है दिए गए जो समीकरण निकाय हैं, तो इसमें दो समीकरण तो निश्चित रूप से दिया रहेगा, तो दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। याद रखिए, यदि इसमें के मान दिया गया है, कहा गया है, तो निश्चित रूप से इस कोई ना कोई समीकरण में, जो दो समीकरण दिया है उसमें के कहीं ना कहीं छुपा होगा, के लिखा होगा, उस के को आपको ढूंढना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमको के मिल गया, ठीक है, तो इसी के का मान आपको निकालना है, ठीक है। फिर हम अद्वितीय हल तो बता ही लेंगे, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है। तो आइए इसको हम हल करते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे, तो जो समीकरण दिया है उससे हमें ए बी और सी के मान निकालने होते हैं। याद रखिए बच्चों, यदि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको गणित को सिस्टमेटिक ढंग से हल करना होता है। तो आइए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो यहां पर जो प्रश्न दिया रहता है उसको आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है ना। अब दिए गए समीकरण से ही आपको ए और बी के मान निकालने हैं, तो देखिए दिया है पहला समीकरण को वहां से लिख लेते हैं, यहां पर ऐसा 5x माइनस 7y 5 इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें आपको किसके मान निकालने हैं, यहां से ए का मान, a1 बोल सकते हैं इसको, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 5,
बी वन का मान कितना हो जाएगा ऋण 7, ठीक है, और सी वन का मान कितना हो जाएगा ऋण 5। एवं दूसरा समीकरण कौन सा दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तो इसको भी लिख सकते हैं एवं 2x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से हमको क्या निकालना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा a2 बराबर 2 है, b2 का मान यहां पर देख लीजिए, इसी के बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे ना कि b2 का मान कितना है k है, और c2 का मान कितना है यहां पर देख लीजिएगा माइनस 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार मिला जरूर लीजिएगा कि गलती ना हो, क्योंकि यदि मान गलत होगा तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो a1 का मान कितना है 5, बिल्कुल सही। b का मान कितना था, ये b1 है भाई, ये b1 है ना, b1 a1 b1 और ये c1, तो b1 का मान कितना है बिल्कुल ऋण 7 था, c1 का मान कितना है ऋण 5, बिल्कुल सही लिखे हैं। अब a देखो यहां पर क्या लिखेंगे, ये a2 का मान है, तो a2 का मान कितना है 2 है, और b2 का मान कितना है k है, और c2 का मान कितना है ऋण 1 है। तो इस प्रकार आपको मान को लिख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब अद्वितीय हल होने के शर्त लगाना है। यहां पर लिखेंगे अद्वितीय हल होने के शर्त, ठीक है। तो यहां पर अद्वितीय हल होने के शर्त क्या है, अब भी मैंने लिखवाया था, इसका बहुत सरल सा शर्त होता है, ये होता है a1 a2 बराबर नहीं है क्या b1 और b2, बस इस फार्मूला को आपको लगाना है और कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से देखिए जो मान है, आपको जो मान दिख रहा होगा उस मान को क्या करना है, आपको रखना है। तो मैं इस मान को इधर हल कर देता हूं, ये देखिए a1 का मान यहां पर देखते जाएंगे, a1 का मान कितना था 5, देखो देख देख के लिखेंगे, और a2 का मान कितना था, यहां पर a2 का मान 2 ही था, 2 बराबर नहीं है। अब देखो b1 का मान लिखना है, तो b1 का मान कितना था ऋण 7, ठीक है, और b2 का मान कितना है k, ये देखिए कहीं ना कहीं हमको k मिल गया। अब इसी k का मान को हम क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे, त्रिया गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें k का मान निकालना है, तो ये अंश में होना चाहिए, तो इसको इधर ला लेंगे, तो हर में रहता है, त्रिया गुना होता है तो अंश में आ जाता है, और इधर का उधर जाएगा, तो अंश का हर में जाएगा, और हर में जो है वो अंश में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर तो बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देंगे, के जो है उधर हर में था, इधर आएगा, ये हो गया अंश में हो गया, ठीक है, हर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इधर देखो ऋण 7 पहले से था, यहां पर गुना कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये अंश में है वो हर में हो जाएगा, और जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो के का मान बराबर नहीं है किसके, इनको एक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 2 = 14, मतलब ऋण 14 आएगा, और 5, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में जब के का आंसर आता है तो आपको लिखना रहता है कि अद्वितीय हल किसके लिए होगा। इस प्रश्न में पूछा गया था ना कि इसका अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर स्पष्ट लिखा है, ध्यान दीजिए के का मान इतना नहीं है, इस प्रकार ये प्रश्न हम बना सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान से इसको देखना है। देखिए यहां पर जो समीकरण दिया है इसको हमें जमाना होगा, ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के एक्स प्लस 3y तो था ही, ये जो संख्या है इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यहां पर के माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ये एक सरल रेखा का समीकरण बन गया है, इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 12x प्लस के वाई और माइनस के इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से हमें a1, b1, c1 का मान निकालना है, और यहां से a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग इसको जमा कर लिखिएगा, है ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर इससे, इसका मतलब a1 बराबर कितना है k, b1 बराबर कितना है 3 है, और c1 बराबर कितना है, यहां देखिए माइनस में है तो इसको माइनस में ही लिखेगा के माइनस 3। उसी प्रकार यहां पर देखिए ये a2 का मान है, a2 का मान कितना है यहां पर 12 है, और ये b2 का मान कितना है, b2 का मान k है, और यहां पर c2 का मान कितना है माइनस
के है, ठीक है। अब अद्वितीय हर होने के शर्त आपको लगाने हैं यहां से, तो यहां पर लिख देंगे अद्वितीय हल होने का शर्त। और ये शर्त हम अपने मन से नहीं लगा रहे हैं, ये प्रश्न में लिखा रहता है। ये देखिए यहां पर समीकरण निकाय के अद्वितीय हल जो बोला जाए वही वाला शर्त लगाना है, क्योंकि आपने तीन सूत्र अभी आपने पढ़े हैं, उन्हीं शर्तों को आपको क्या करना है, लगाना है। तो देखो यहां पर अद्वितीय हल होने का शर्त मैं यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारा शर्त कौन सा होता है, यह होता है ए वन ए टू बराबर नहीं है बी वन और बी टू, बस इसी सूत्र से हमें काम चलाना है, यहां पर बराबर नहीं है। यहां पर और होता है सी वन बटे सी टू, उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बस इसको क्या करना है, हल करना है। यहां पर क्या करेंगे आप, मान रख देंगे, ठीक है। तो मान रखने पर तो हम यहीं पर मान रख देते हैं, ये देखिए a1 का मान कहां से लाएंगे, ये तो ये क्या है a1 का मान k है, ठीक है। a1 बटे a2, a2 यहां से आएगा कितना है 12, लिख दिए बराबर, चिन्ह को ध्यान से रखिएगा। अब देखिए यहां पर ये बराबर नहीं है आएगा, है ना, देखिए उसके बाद b1, तो b1 का मान कितना है यहां पर 3 है, और दूसरा में आ जाएंगे b2 का मान, तो b2 का मान यहां देख लीजिए कितना है k है, तो यहां पर हो जाएगा k। अब इसको हम क्या कर देंगे, त्रिक गुना कर देंगे, ठीक है, इनका इनसे गुना हो जाएगा, इनका इनसे गुना हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा k और k का स्क्वायर करेंगे, यहां पर कर देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा ये k और k का गुना करेंगे, यहां पर हो जाएगा k का k से गुना हो जाएगा, बराबर नहीं है, यहां पर हो जाएगा 12 गुना 3, ठीक है। फिर इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर नहीं है, ये हो जाएगा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जब वर्ग को दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसको वर्गमूल बना देता है, तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर नहीं है, यहां पर वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, इसका जब हम हल करते हैं तो के का यहां पर प्लस माइनस लगा सकते हैं, ये हो जाएगा बराबर नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस, इसका कितना होता है 6 6 का 36, मतलब 36। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपको गणित को समझना है, गणित को पढ़ना नहीं है। अगर आप गणित को पढ़ेंगे तो आज समझ आएगा, फिर अगले दिन भूल जाएंगे, लेकिन यदि आपने गणित को समझा है तो गणित को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस याद रखना है, जो सूत्र होते हैं वही मेन होता है गणित में, यदि आपने सूत्रों को याद रखा है तो आपसे कोई भी गणित नहीं छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का गणित आपको समझ आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है इस लॉकडाउन में इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।